चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है चंद्रमा पर होने वाली है। मैं इस समय स्थित हूँ दिल्ली के नेहरू तारामंडल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के तमाम बाकायदा मॉडल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर रोवर बनाया गया है, लैंडर बनाया गया है और मॉड्यूल भी यहाँ पर बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए साइंटिस्ट हैं। मैम, क्या नाम है जी? प्रेरणा, मैं नेहरू प्लानिटेरियम में प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे कार्यरत हूँ। मैम, जो लैंडिंग होने वाली है चंद्रयान 3 की, उसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, 14 जुलाई को जैसे कि चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होने वाला है। और जबकि हम चंद्रमा की लैंडिंग की बात करते हैं तो इस रेस में 3 देश ऑलरेडी उतर चुके हैं, पर साउथ पोल पर भारत जो है वो पहला होगा। तो चंद्रयान 3 जो है वो बहुत ही यूनिक और भारत का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। साउथ पोल की बात आपने की है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी, साउथ पोल चंद्रमा का वो भाग है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत ही कम पड़ता है, तो यहाँ पर पानी की होने की संभावनाएं हैं। पानी जो कि बर्फ के फॉर्मेट में है, उसका पता ऑर्बिटर ने अपने चंद्रयान 1 और 2 में हमें पुष्टि करी थी और उसी के बाद से चंद्रयान 3 की कल्पना की गई थी कि हम इस पानी के ट्रेसेस को जो है और बेहतर समझ पाएं और चंद्रमा की सतह का विश्लेषण अच्छे से कर पाएं कि वो इंसानी जीवन को बसाने के लिए या आगे फ्यूचर मिशंस में किस तरह से हेल्प है। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं जो बाकी देशों के जो मिशन रहे हैं मून को लेकर के खासकर, तो ये हमारे जो हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये काफी अलग है उनसे। जी बिल्कुल अलग है। अभी तक के जितने भी देशों के 3 देश इस लूनर सतह पर लैंड करने वाले देश हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है और चाइना है। भारत साउथ पोल पर पहली बार जो है वो लैंड कर रहा है और बहुत ही चंद्रमा को लेकर सारे देशों में बहुत ही जिज्ञासा है। और साउथ पोल ही क्यों, क्योंकि ये बहुत ही एक अनआइडेंटिफाइड साइट है और इस पर ज़्यादा विश्लेषण अभी तक नहीं हुए हैं। तो अनुमानित है कि ये जो सतह है हमें बहुत से ऐसे आंकड़े दे सकता है जो आगे आने वाले मिशन्स में प्रयोग में लाया जा सकता है। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नासा और जो रूस की एजेंसी है वो भी इसमें सहयोग कर रही है, वो मॉनिटरिंग कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब स्पेस की बात आती है परस्पर एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं और हर मिशन के आंकड़ों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं ताकि ह्यूमैनिटी के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। और ये आपको लगता है कितना सक्सेसफुल होगा मैम? जी ये 100% उम्मीदें हैं सभी भारतीयों की और जिस तरह से लास्ट मिनट अपडेट दिए हैं इसरो चीफ ने, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि हमने सारे प्रोसीजर जो अंतिम चरण के हैं वो सफलता से कर लिए हैं। अब लैंडिंग का इंतजार है जो कि अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल है, परंतु हमारे पास पूरी तरह से उसका बैकअप मौजूद है और किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल फेलियर के लिए हम लोग तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सफलता से लैंड होंगे। यहाँ पर नेहरू तारामंडल एक बहुत बड़ा संस्थान है देश का, तो यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की गई? जी बिल्कुल, स्पेस की जब बात करते हैं तो नेहरू तारामंडल दिल्ली में एक खासा अट्रैक्शन है। लोग यहाँ पर आते हैं हमारे शो देखने के लिए और क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है तो हमने स्पेशल वेब स्क्रीनिंग का, वेबकास्ट की स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। इसरो ने जो लिंक जारी करे हैं वो हम यहाँ पर 3 स्क्रीन्स पे लगाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस नज़ारे को यहाँ पर एक साथ देख सके। स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया? जी, क्योंकि समय जो है वो बढ़ाकर शाम का कर दिया गया है तो हमने स्कूल के बच्चों को आमंत्रित नहीं किया, पर डेफिनेटली हम कॉल रिसीव कर रहे हैं, बहुत से मेल्स रिसीव कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं यहाँ पर। नेहरू तारामंडल के साइंटिस्ट हैं, उनकी सभी लोगों की टीम यहाँ पर होगी? जी, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर उस दिन उपलब्ध होगा और हमने सुबह मीडिया के लिए एक खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया है जिसमें हम प्लानिटेरियम का शो उन्हें 9:30 बजे दिखाएंगे, तो वो भी आप सभी लोग आमंत्रित हैं, देख सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ ही नेहरू तारामंडल की साइंटिस्ट, और मैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो लैंडिंग है इस बार की वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है।